जब वो रिटायर होंगे तो इसलिए अब जाके सरकार ने जो टोटल 6000 एम्प्लॉय है 6000 एक एक अपार्टमेंट बना रहे हैं, तो हमारा रिटर्न का क्या होगा? When we will return to Kashmir, Government of India को क्या पॉलिसी है? हम चाहते हैं कि हम अपने कश्मीर में जाएं, कश्मीर हमारा घर है। नमस्ते शारदा भूमि, ये शारदा भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है। यहाँ कश्मीर में हजारों किलोमीटर से चाइना से कहां कहां लोग पढ़ने आते थे, और हम कश्मीरी हिंदू इसको फिर से शारदा भूमि बनाएंगे। इसलिए भारत सरकार से हमारा एक निवेदन है, हमारी एक डिमांड है कि हमको वन प्लेस सेटलमेंट होनी चाहिए। बोलते हैं, सरकार बोलती है, कई पॉलिटिकल पार्टी बताती हैं, नहीं हम सब कुछ ठीक होगा, आप अपने अपने घरों में जाएंगे। कौन से घर में जाएंगे? हमारे किसी के पास अब घर नहीं है। 20,000 घरों को जलाया गया है, कुछ घरों को पर कब्जा किया है, और हमारे पास इस समय सिचुएशन है कि कोई घर नहीं है। हम अब कहां, हमारे पास एड्रेस ही नहीं है। वी हैव लॉस्ट अवर एड्रेस, जो हमारा एंसेस्टर्स का एड्रेस था, वी हैव लॉस्ट दैट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी डिमांड हम एक अपना शहर बनाए, हम एक अपना होमलैंड बनाएंगे, और इसलिए हमने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। और हमारे अरविंद ओबरॉय बहुत बड़े अर्बन टाउन प्लानर हैं, जो जॉन्सबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं इसके, उन्होंने 2 साल लगाए, वो भी कश्मीरी पंडित हैं, तो उन्होंने ये कई और टाउन प्लानरों से मिलकर ये बताया कि कैसा कश्मीरी हिंदू कैसे वापस जा सकता है, और वो कैसे कश्मीर में रह सकता है, कैसे वहाँ यूनिवर्सिटी बन सकती है, कैसे वहाँ कॉलेज बन सकते हैं, कैसे वहां अपार्टमेंट्स बनेंगे, कैसे वहां घर बनेंगे, और जो ये नया शहर होगा, जो एक नई सिटी होगी कश्मीरी हिंदू के लिए, वो एक दुनिया की एक एग्जांपल बनेगी। और वहां पर भारत का तिरंगा झंडा सबसे ऊपर। आज हम भारत सरकार को बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन 32 सालों में और इन 72 सालों में जो सबसे बड़ी घटना हो गई वो है धारा 370 और 35A। इसके लिए हम भारत सरकार को और सारे भारतीयों को और भारत के पार्लियामेंट और जिन अपोजिशन पार्टियों ने इसका साथ दिया है उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इवन आप BSP शिवसेना और भी जितनी पार्टियों ने इसको साथ दिया, हम सबका धन्यवाद करते हैं। और आज मैं आह्वान करता हूं इन सब पार्टियों को कि अब आप आइए, जो कश्मीरी हिंदू 10,000 साल से कश्मीर के वासी हैं, ये ललिता द्वितीय की, हम ललिता द्वितीय के संतान हैं, हम अग्निगुप्त के संतान हैं, हम उस धरती को वापस जाना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपको जगमोहन ने कश्मीर से निकाला है, क्या ये पॉसिबल है जिसका घर, जिसका बिजनेस, जिसका सब कुछ ठीक ठाक हो, वो जगमोहन बोले आप चले जाओ और हम यहाँ यात्रा करने के लिए आए? 5 लाख, मोर देन हाफ अ मिलियन कश्मीरी पंडित हैव नॉट कम फ्रॉम कश्मीर फॉर जस्ट टू हैव अ पिकनिक हियर। वी बिकेम विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड एंड जेनोसाइड वाज रियल एंड सो आवर जेनोसाइड इज रियल एंड विवेक अग्निहोत्री कश्मीर फाइट इज रेयर। इसमें कोई एक सीन भी झूठ नहीं है, ये सच पर आधारित है, 100% आधारित है, और इसमें और भी जबरदस्त सीन हो सकते हैं, मुझे लगता है कि आप वो सीन नहीं देख सकते। मेरा आह्वान है और मेरा सारे मीडिया को बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आपने लाखों करोड़ों लोगों के पास कश्मीर फाइल और कश्मीरी हिंदू की आवाज पहुंचाई। लेकिन आज मैं आह्वान करता हूं मैडम सोनिया गांधी जी को, मैं आह्वान करता हूं कश्मीरी पंडित बोलने वाले अपने जिन्होदारी राहुल गांधी जी को कि वो कश्मीर फाइल देखे, क्योंकि ये उनके पूर्वजों की फिल्म है कि उनके साथ तब कैसे जनोसाइड हुआ था जब नेहरू परिवार यहां आया था। अगर नेहरू जी कश्मीर में होते तो पटवारी होते, यहां आकर वो प्रधानमंत्री बन गए। तो इसीलिए
आज जरूरी है कि जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, वो इस पिक्चर को जरूर देखे। उसके साथ साथ मैं आवाहन करता हूं बॉलीवुड को, मैं चाहता हूं कि आदरणीय पितामह जैसे हमारे सिनेमा और बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन हैं, शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं, जितने भी बड़े फाइव स्टार सुपरस्टार फिल्म एक्टर है, उनको ये फिल्म देखनी चाहिए और अपना मुंह खोलना चाहिए कि ये फिल्म कैसी है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे साथ जो जनसाइड हुआ, हमारे साथ जो त्रासदी हुई, उस पर एक फिल्म नहीं, उस पर 100 फिल्में बनेंगी। और मैं आह्वान करता हूं कि बॉलीवुड को लड़का लड़की से प्यार करता है, लड़की लड़के से प्यार करता है, इस नैरेटिव को एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो आजादी में हमारे जितने भी मार्टियर्स हुए उन पर पिक्चरें हो, हमारे ऐतिहासिक बहुत जिन्होंने काम किया है भारत में उन पर पिक्चरें हो। टारगेटेड किलिंग्स हुई वो तो मार्च 1989 में स्टार्ट हो गए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर तक चलता गया, अक्टूबर में चलता गया, और हमारे प्रोमिनेंट लोगों को मार दिया इतनी बर्बरता के साथ, वो तो आपके मूवी में कई सारे सीन होंगे। और उस समय कौन सी सरकार थी, ये ब्लेम गेम में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, पर आप खुद ही इसका इंफ्लुएंस निकालिए कि अगर टेररिज्म 1988 से स्टार्ट हो गया और 89 बिगिनिंग से इसकी तीव्रता बढ़ती गई, उस समय केंद्र में कौन थे, उस समय स्टेट में कौन थे चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने नवंबर के महीने में 70 टेररिस्ट, ट्रेडेड टेररिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान में जाके ट्रेनिंग करी, खतरनाक टेररिस्ट जो 70-80 टेररिस्ट थे उनको छोड़ दिया, और जो उनको छोड़ दिया उसकी तीव्रता इतनी खतरनाक हो गई कि 19 जनवरी 1990 को, मतलब उससे पहले ही हमारा फलाय चालू हो गया। और फिर क्या बोले, ये तो जगमोहन ने इसको नहीं बोले, जब उस समय ये त्रासदी हो रही थी, ना तो फोन था, ना तो इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था, एक भाई को दूसरे भाई का भी नहीं मालूम था कि भाई क्या हो रहा है, कि हम निकल रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था, हर एक अपनी जान बचाने पे लगा हुआ था। तो क्या बोले, ये तो जगमोहन ने ही बोले। पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को थी, और उसके बावजूद भी जो वहां पे सरकारी तंत्र था पूरा कोलैप्स करके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब लंदन चले गए। क्या बोले कि भाई उनको खबर मिल गई कि कश्मीर हाथ से जा रहा है, भाई निकल जाओ, तो बोले अच्छे से मैं तो निकल ही जाता, मेरा नाम नहीं लगेगा, और हमको यहाँ पे कोई कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमारे समाज ने जो देखा सिस्टम को इतना ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल था, हमने किसी पुलिस वाले पे ट्रस्ट नहीं किया, ऐसा हो। मगर पूरे इंडियन सिस्टम ने फेल करने के बाद, पूरे स्टेट गवर्नमेंट ने फेल करने के बाद भी समाज में बालकीता पूरे नस नस के नस, अगर विश्व भर में भी है भारत की बात, कोई दूसरा होता वो बोलता भारत ने मेरे को क्या दिया, मगर ये अमीन जो पूरा भारत का तिरंगा पूरे विश्व में हमेशा ऊपर रहा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई वो टेररिस्ट इसलिए बना क्योंकि उसके ह्यूमन राइट वायलेशंस हो गए, वो टेररिस्ट इसलिए बना क्योंकि वो इलेक्शन को लीक हो गया, वो पता नहीं क्या क्या कैंपेन चला रहे थे तभी वो टेररिस्ट, अरे वो बिट्टा कराटे इसलिए टेररिस्ट बना क्योंकि उसके भाई को पुलिस वालों ने लाठियां मारी, ये कौन सा रैशनल। हमारा जेनोसाइड हुआ, हमारा एथनिक क्लींजिंग हुआ, हमने तो पत्थर तक नहीं उठाया, कंकड़ तक नहीं उठाया, तभी ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा नोबल लॉरेट कमेटी को लिखेगा कि अगर एक शांति पुरस्कार देना है
वो इस समाज को दिया जाए, क्योंकि इस समाज ने जो त्रासदी झेला और उसके रिटर्न में कभी कोई वॉयलेंस तक नहीं किया, अगर कोई डिजर्व करता है ये कम्युनिटी करता है। मैं भारत के सरकार से भी ये कहना चाहता हूं कि आप भारत रत्न देते हैं, इंडिविजुअल को देते हैं, आप इस समाज को जिन्होंने ये त्रासदी झेलने के बाद पूरे भारतवर्ष का तिरंगा और उसके लिए हर एक जगह तन मन धन से लगे रहे, अगर भारत रत्न का कोई डिजर्व करता है तो वो हमारा समाज करता है। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे चीजों को एक डायरेक्शन दें ताकि हर एक पीस शांति डायलॉग उस पर विश्वास करें, बंदूकों पर विश्वास ना करें।